हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई अभी हो गया वापस से काम करने का टाइम, वाइट वॉश करने का। भाई ने पहन लिए कपड़े वापस से, तो अभी सिर्फ ये एक रूम बचा हुआ है और छोटा मोटा काफ़ी है। अभी आज का दिन पूरा लग जाएगा और आपको दिखाता अपने स्वीट से डॉग्स। ओ भाई मेरे पहलवान आ जाओ, चार्ली बॉय, चार्ली टैडी बॉय, ये अपना टैडी टैडी आजा। तो ये सारे ऐसे ही ओपन है, सारे खुले रहते हैं, ऐसे बंद नहीं होता है कोई सा भी। चार्ली चार्ली बहुत मस्ती करती है। देखो इसके ऊपर ही वाइट रंग गिर गया, मैं दिखाता हूँ आपको। आपको एक एक करके दिखाता हूँ मेरी जान। ये अपनी पिकाचू, ठीक है, पिकाचू। पिकाचू ने भी जैकेट पहना हुआ है अपने पप्पी को। अरे गुर्रा मत, बच्चों को बचा के रखें। और ये अपना भालू, प्यार से तो मैं इसको भालू ही कहता हूँ। ये देखो कैसे चाट रहा है। अबे मान जाओ, ये सोचते सब गुर्राते हैं, कहते हैं यार कोई मुझसे प्यार करो, मुझसे करो। ये अपनी जैली, जैली है जैली। तुम्हें चाटना ज़्यादा अच्छा है क्या? चाटना जरूरी है क्या? गीला गीला करते हो सुबह, ठंडा ठंडा लगता है। तो यही अपने प्यारे प्यारे बच्चे फिलहाल। तो देखो छोटी कहाँ बैठी हुई है गमले के ऊपर चढ़ के। और टैडी बॉय, हाँ कम आ जा, दो भी कम कम। ओए लड़ाई मत करो, ये अपना टैडी बॉय सुपर स्टार, ये देख रहे हैं टैडी बॉय। कुछ कहना चाहता है क्या? जल्दी से बता दे। टैडी का इस बार देख रहे हैं, टैडी के फुल अपना हेयर, मैं पूरे हेयर बड़े करूँगा। काफ़ी पहलवान हो गया, घर में ही रहता है ना, तो काफ़ी हैवी हो रहा है खा खा के पूरा। ये देखिए अभी जैकेट पहन के रखा हुआ है, जैकेट पहना के रखा अभी थोड़ा सा। और कौन सा रह गया? देखो वो माँ बेटी वहाँ पे बैठी हुई है, जिसने जैकेट पहना हुआ है उसका नाम टफी है, और जो विदाउट जैकेट है उसका नाम छोटी है। और ये अपनी चीनू, चीनू बेटा कम है, चीनू हाँ मिल जाए। ये मेरी चीनो शिट्जू फीमेल, जिसने अभी पप्स दिए हुए ऑलरेडी। अरे बाबा बस करा कर, तुम चाटने की क्या गंदी आदत है रे बाबा। ये बहुत लड़ाकू है, बहुत फाइट करती है सबसे। तो अभी ऐसे ही खेलेंगे अपनी छत पे। इस साइड एरिया में धूप आती है ना, तो इस वजह से इनको पूरा रिलीज कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा धूप ले लेते हैं। अबे बस कर बाबा बस कर यार। और कौन सा रह गया है? सारे दिखा दिए मेरे ख्याल से मैंने आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डॉग्स हैं। और ब्रूनो मेरा अपना गाय के पास रहता है, वो वहीं पे गाय के पास ही उसे ज़्यादा अच्छा लगता है रहना भी, उसको छोड़ता नहीं है बेचारी को बिल्कुल भी। चलो अगर आप किसी भाई को कुछ पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। अभी भाई इनका बना रहा है काफ़ी अच्छा रहने के लिए, इनके लिए भी और अपने लिए भी थोड़ा सा कर रहे हैं, तो देख सकते हैं। हाँ भाई क्या चाहिए? ओ फाइटर, अरे मान जा मेरे चप्पे, अरे मार दिया रे मेरे सर में, मार दी बाबा, अरे मार दी रे, ए मार दिया जैसे भाई टांटे मार दिया, दांत लग रहा है। अरे बस कर बाबा बस कर, इसको देखा से भींच लूँगा अभी। अब बता क्या करेगी, 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 बता क्या करेगी। ये देखते तो ले आ जा, ये देखो। ब्रोनो को भी ज़्यादा यहाँ इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि ब्रोनो बहुत खेलता, बहुत ज़्यादा उधम ज़्यादा उतारता है, मतलब समझ सकते हो। काले का एनर्जी लेवल काफ़ी हाई है, हाई तो रहता ही है, ओपन रहता है, मैं कभी किसी को बंद करके नहीं रखता हूँ। तो अभी आपको दिखाता हूँ फाइनली, अभी थोड़ा डॉग्स तो आपने देख लिए। और ये अपनी पिया, अबे नीचे उतर गई। इनके लिए स्पेस तो काफ़ी अच्छा खासा, ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है इनके लिए घूमने के लिए। स्टॉप नाउ, स्टॉप स्टॉप। तो स्पेस इनके पास काफ़ी अच्छा है घूमने के लिए, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है, सारे ओपन रहते हैं एकदम।
ये अपना एक रूम है। ओए चुप बेटा चुप, बच्चों चुप के पाइप। चीनू का ना साउंड बहुत ऐसा चुपता है खाली। तो भाई काफ़ी भाई सपोर्ट करते हैं चैनल को, काफ़ी मैसेज भी करते हैं अच्छे, तो ऐसे भाई के चैनल को सपोर्ट करें जितना हो सकेगा। मेरे से मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। काफ़ी मैसेज आते हैं, काफ़ी कॉल्स भी आती हैं बहुत भाइयों की, फीमेल्स भी डिलीवरी के रिगार्डिंग्स काफ़ी पूछते हैं भैया पपीज़ कैसे रखते हैं। तो मैंने काफ़ी चीज़ें झेला इस चीज़ में, काफ़ी नुकसान सहा है, तो इसी वजह से मैं सबकी हेल्प कर देता हूँ ताकि दूसरों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि जब नुकसान होता है उसी को पता होता है जो रखते हैं। मेरा काफ़ी शुरू में नुकसान हुआ हुआ है, तो इसी वजह से मैं सोचता हूँ दूसरों का भी नुकसान ना हो, तो उनके सबका रिस्पॉन्स कर देता हूँ। हाय सौरभ भाई, और सौरभ भाई बहुत हर वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सौरभ भाई। तो घूम रहे हैं देखिए, सारे ऐसे ही घूम रहे हैं, अभी चल रहे हैं थोड़ा, इससे हमने टेंट क्लीन करना है 1 तारीख तक। भाई जी कर रहे हैं अभी लग रहा हूँ थोड़ा वापस से वाइट वॉश करने पे, तो ये ख़त्म करना है 5 तारीख तक, कोशिश करते सारा नीचे ऊपर सब कंप्लीट करना है 5 तारीख तक, क्योंकि फिर 5 तारीख को मम्मी का भी मतलब जो कीमोथेरेपी चल रही है, जो मम्मी को अपना कैंसर था उनकी कीमोथेरेपी चल रही है अभी, तो 5 तारीख को हॉस्पिटल जाना है, तो कोशिश है कि 5 तारीख से पहले सब चीज़ें ख़त्म कर लूँ। बाबा बिट्टू पहलवान हेलो एवरीबॉडी हेलो। तो अभी करते हैं काम, अगर आपको कुछ भी पपीज के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं, अभी थोड़ा टाइम दीजिएगा, थोड़ा बिजी रहता हूँ काम के चक्कर में, बट कोशिश करूँगा जो भी हो जल्दी से जल्दी वीडियोस अपडेट कर दूँ, जैसे ही थोड़ा टाइम होता है फ्री होता हूँ तो मैं ज़रूर वीडियोस अपडेट करूँगा। बट क्या काम करते करते इतना स्ट्रेस हो जाता है ना कि अभी थोड़ा काफ़ी, कल भी मैं शाम को 5 बजे हटा था काम करते करते, तो ये रहता है थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो भाइयों के कमेंट्स मैसेज के जवाब देने पड़ जाते हैं, कमेंट्स आते हैं। तो अभी आपको मेरे जब ये कंप्लीट हो जाता है, कोशिश है अपना जनवरी की 10 तारीख के बाद आपको मैं रेगुलर हर चीज़ की वीडियोस, हर चीज़ की अपडेट्स आपको रेगुलर्स दूंगा। जो भी आप पूछना चाहोगे तो आप अपने भाई के पास, उस टाइम मैं फ्री भी हो जाऊंगा, तो आपको मैं हर चीज़ का रिस्पॉन्स कॉल्स वगैरह सारी आपको रेगुलर्स अपडेट्स करता रहूँगा। छोटा आप भाइयों के लिए एक छोटी सी वीडियोस बना देता हूँ, और एक भाई का कॉल्स भी आए थे कि उनकी भाई की 45 डेज फीमेल कंसीव है, तो भाई अपनी फीमेल्स को हरदम थोड़ा थोड़ा करके खाने दें, थोड़ा थोड़ा करके खाना दीजिए हरदम, दिन में कम से कम 4 से 5 बार एकदम थोड़ा थोड़ा, ताकि उसकी जो पेट में जो बच्चे हैं उनको फैलने की स्पेस मिले, जगह मिले, और हरदम जब भी आपकी फीमेल 55 डेज हो जाते हैं तो उसको थोड़ा सा मिल्क, और मतलब एक कप मिल्क और उसमें 2 चम्मच घी डाल के, या मक्खन अमूल मक्खन जो भी है आप डाल के दे सकते हो, और जो चिकन प्रोवाइड करा सकते हैं, जो अपना मटन की जो चिकनाई आती है उसका भी पानी बॉईल करके ठंडा करके फिर अपनी फीमेल को सर्व कर सकते हैं दिन में सुबह शाम, इससे कि आपकी फीमेल को डिलीवरी करने में काफ़ी आसानी होगी। और हरदम ध्यान रखें, पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी फीमेल 62-63 डेज तक ले रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 65-68 डेज तक भी नॉर्मल होता है फीमेल्स के अंदर। और हरदम ये ध्यान रखें, अगर आपकी फीमेल प्रेशर लगा रही है, पहली बात तो वो खाना छोड़ देगी आपकी फीमेल डिलीवरी करने से पहले, बहुत कम चांस होते हैं कि नहीं छोड़ती है, बट 99% चांसेस ऐसे होते हैं कि फीमेल खाना छोड़ देती है डिलीवरी से पहले 12 घंटे पहले। जैसे अगर मॉर्निंग में वो खाना नहीं खा रही है तो आपकी फ़ीमेल शाम तक डिलीवरी कर देगी,
अगर शाम को खाना छोड़ती है तो मॉर्निंग तक डिलीवरी फीमेल आपकी कर देती है। अगर कंडीशन ऐसा होता है कि अगर आपकी फीमेल हरदम ध्यान रखे, अगर आपकी फीमेल प्रेशर लगा रही है, जोर लगा रही है डिलीवरी करने के लिए पपी को, और वो पपी डिलीवरी नहीं कर पा रही है, तो आप सिर्फ आधा या एक घंटा डेढ़ घंटा लास्ट आप वेट कर सकते हो। अदरवाइज उसके बाद आपको डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि आपकी फीमेल के अंदर पपी जो होता है वो डेड कर जाता है, जिसकी वजह से वो ताकत लगाती है, प्रेशर लगाती है, बट पपी बाहर डिलीवरी नहीं कर पाती है। तो उस कंडीशन में आपको हरदम ध्यान रख रहे हैं, ज़्यादा वेट नहीं करना है, अपने फीमेल को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए और वहाँ पे उसका इलाज कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, उससे आपका पूरा आइडेंटिफाई हो जाएगा अच्छे से। तो हरदम ध्यान रखें, जब भी आपकी फीमेल प्रेशर लगाती है, आप देख रहे हैं कि वो जोर लगा रही है, ताकत लगा रही है और पपी डिलीवरी नहीं कर पा रही है, तो आप एक से डेढ़ घंटे के बाद अपना डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएं। टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपका फीमेल पपी कोई डेड कर जाता है पेट के अंदर, तो हरदम ध्यान रखें आपके जितने बाकी के जो पपीज हैं उनके 90% चांसेस एक्सपायर और डेड होने के बन जाते हैं। हरदम ध्यान रखें, अगर आप ज़्यादा टाइम तक अगर वेट कर लेते हो डॉग्स को, पपीज़ को, सोचते हो, कंजूसी करते हो, नहीं यार हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, तो नहीं भाई, आपके भाई के काफ़ी एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको बताता हूँ। और मैं तो उनको वो भी कहता हूँ कि अगर ये सब सोचते हैं कि पैसा बचाने के चक्कर में भाई इतना हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मैं उनको कहता हूँ भैया वो पहली बात तो फीमेल पाले नहीं, डॉग ही ना पाले। सबसे अच्छी बात मैं ये कहता हूँ डॉग ही ना रखे, क्योंकि डॉग एक पालना बहुत शौकिया चीज़ है, काफ़ी पैसा खर्च होता है, तो अननेसेसरी मत पालो दूसरे को देख के। अगर आप पैसा खर्च कर सकते हो जब भी हरदम एनिमल्स या कोई भी चीज़ें रखिए। चलो इतना ही कहता हूँ, अगर और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट मैसेज करके पूछ सकते हैं। अभी भाई लग जा रहा है अभी काम करने वापस से, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई के चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ये अपने बैठे चीनू चीनू बेटिया पिकाचू ये सब मेरे पीछे पीछे रहते हैं, ज़्यादा मैं बैठ जाऊँगा वहीं पर आके रह जाएंगे, वहाँ पे जाऊँगा तो वहाँ बैठ जाएंगे, जहाँ भी बैठूँगा मतलब वहीं मेरे आसपास बैठ जाएंगे आके। चलो वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।